व्यूअर्स, मैं हूँ रितु एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्सटाइल रितुस गैलरी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के बारे में, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये अपने आप में एक मुसीबत वाली चीज है। अगर बड़ों को भी हो जाती है तो बहुत सी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, तो सोचिए अगर बच्चे को ये हो जाए तो उनको कितनी दिक्कतें होती होंगी, और तो बोल भी नहीं पाते। तो आप कैसे समझे कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, कैसे आप उन्हें ट्रीट करेंगे और कैसे आप कॉन्स्टिपेशन से बच्चे को बचाएंगे। तो पहले आते हैं कि आप कैसे समझेंगे कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। तो सबसे पहली चीज, बच्चा जब मोशन पास करता है तो वो रोने लगता है या उसको इरिटेशन होती है, उसको दिक्कत होती है। दूसरा है कि बच्चे का जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाता है और बिल्कुल पॉटी में लिक्विड नहीं होती। थर्ड है कि बच्चे के पेट में मरोसी होती है, वो रोता रहता है, उसको इरिटेशन हो रही है, वो खाना छोड़ दे रहा है, नहीं खा रहा है, एक्टिविटीज़ कम कर दिया है उसने, पानी नहीं पी रहा है। ये सब चीज़ अगर आप अपने बच्चे में देखोगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आप कैसे आप बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे, मतलब बच्चा अगर कॉन्स्टिपेटेड हो जाए तो कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जिसमें हम आते हैं कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी पिलाइए। पानी जो है वो कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला इलाज है, क्योंकि जब 6 महीने से पहले का बच्चा होता है वो तो दूध के ऊपर होता है, वो तो या तो ब्रेस्ट मिल्क लेता है या तो फॉर्मूला मिल्क लेता है, तो बच्चे के बॉडी में जो लिक्विड का फॉर्म है वो बरकरार रहता है। अब अचानक से 6 महीने बाद बच्चे का पानी भी शुरू हो जाता है और सॉलिड भी शुरू हो जाता है, तो इसीलिए पानी का जो बैलेंस है, लिक्विड का जो बैलेंस है, वो अचानक से कम हो जाता है। तो आप भरपूर मात्रा में बच्चे को पानी पिलाइए। पानी पिलाने से बच्चे का जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत जल्दी उससे वो बच्चे को रिलीफ मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि मैं आपको कुछ फ्रूट्स के नाम बताऊंगी, ये अगर आप अपने बच्चे को डेली देते हो कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे, तो आई एम 100% श्योर कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन से बहुत जल्दी ही बाहर आ जाएगा। सबसे पहला है प्रूनस, दूसरा है पियर्स, तीसरा है पाइनएप्पल एंड चौथा है पपाया। ये 4 फ्रूट्स अगर आप अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करते हो विद इन कॉन्स्टिपेशन टाइम, तो आई एम श्योर कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन से बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिलेगी। आप पपाया मैश करके दे सकते हो, आप पियर्स को प्यूरी बना के दे सकते हो, आप प्रूनस को हर एक चीज में दीजिए। प्रूनस अपने आप में ही कॉन्स्टिपेशन फूड कहा जाता है उसको, तो प्रूनस अगर आप अपने बच्चे के डाइट में दोगे, आलू जिसको आलू बुखारा कहते हैं उसको अगर आप उसके डाइट में दोगे, तो वैसे ही उसकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो विद इन 2 or 3 डेज ठीक हो जाएगी। और पाइनएप्पल भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो, जूस बना के दे सकते हो, ऐसे ही स्लाइसेस काट के दे सकते हो। तो ये फ्रूट्स आप अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आपका बच्चा बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन से बाहर आ जाए। थर्ड है वेजीज एंड ग्रीन्स। आप इस वक्त बच्चे को प्रॉपर वेजिटेबल्स दीजिए, क्योंकि इस वक्त बच्चे को हाई फाइबर रिच फूड देना जरूरी है, और ग्रीन्स और वेजीज में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं और ग्रेन्स में भी भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं। तो आप वेजिटेबल्स को सूप बना के दे सकते हो, खिचड़ी बना के दे सकते हो। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बच्चे को दालें दीजिए, चावल दीजिए, आप ब्राउन ब्रेड भी दे सकते हो बच्चे को, दलिया दे सकते हो। इन सब खाने से बच्चे का कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। चौथे पॉइंट पे हम आएंगे, वो है आप थोड़ा सा किशमिश लीजिए, उसको पानी में वार्म वाटर में आप उसको डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, और वाटर छान के बाहर निकाल के किशमिश को जो है आप बच्चे को डायरेक्ट दे सकते हो, और अगर बच्चा डायरेक्ट नहीं लेता है तो आप उसको मैश करके दे सकते हो, थोड़ा सा प्यूरी बना के दे सकते हो, इससे बच्चे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलती है। अब पॉइंट में आते हैं 5th मंथ पे, वो है वार्म बॉयल मसाज। इस वक्त बच्चे का पेट का जो निचला हिस्सा है वो बहुत हार्ड हो जाता है, बच्चे को दर्द भी होती है उस चीज से, तो आप कोशिश कीजिए जब बच्चा पैदा हो तब से लेके जब तक आप कंटिन्यू कर सको, डेली बच्चे को वार्म ऑयल से मसाज करो, और अगर डेली नहीं भी कर पाते हो तो अल्टरनेट डे पे उसको मसाज दीजिए, और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे आप डेली दिन में 2 बार बच्चे को वार्म ऑयल से मसाज कीजिए, स्पेशली नाभि के निचले हिस्से में। अगर आपको सोने से पहले आप करते हो बच्चे के बॉडी में, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, ये सब चीज़ों से बच्चे के बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है वो जो हार्ड पोर्शन होती है उसकी, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नरम हो जाता है, और अगले दिन बच्चे को मोशन पास करने में आसानी होती है। अब जो लास्ट पॉइंट पे आते हैं वो है बच्चे के डाइट में थोड़ा सा चेंज।
आप बच्चे को देखोगे कि आपका बच्चा किस चीज से उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये आप उस आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप उसको नोटिस कीजिए कि बच्चा कौन सा खाना लेने में उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आप डाइट में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट में, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो ताकि आपका बच्चे का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो ही ना। तो सबसे पहला है कि मैंने पहले कहा आपके बहुत ज़्यादा बच्चे को वाटर दीजिए, और लिक्विड्स बच्चे के खाने में ज़्यादा इंटेक कीजिए। आप कोकोनट वाटर, लाइम लेमन वाटर, हर चीज़, आप स्वीट लेमन का जूस दे सकते हो, ये सब चीज़ आप बच्चे के डाइट में लिक्विड ज़्यादा दीजिए ताकि बच्चे को डाइजेस्ट करने में ईजी हो और बच्चा खाने को आसानी से पचा सके। दूसरा है, आप उसको प्रोसेस फूड कम दीजिए, बाहर का खाना, जंक फूड कम दीजिए, क्योंकि प्रोसेस फूड में क्या होता है, फाइबर कम होता है, इसीलिए बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए घर का खाना बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे, और प्रोसेस फूड बच्चे को कम दे, जंक फूड भी बच्चे को कम दे। और तीसरा है कि आप बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा वेजेस इंट्रोड्यूस कीजिए, उसको आयरन वाला खाना अगर आप बच्चे को ज़्यादा देते हो तो आप कोशिश कीजिए कि विटामिन सी वाला खाना, जिस खाने में विटामिन सी हो, वो खाना आप बच्चे के डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बच्चे को कैरेट्स दे सकते हो छोटे छोटे स्लाइसेस काट के, पर हाँ वो बॉइल्ड नहीं होनी चाहिए, आप कच्चा ही कैरेट बच्चे को दीजिए, स्लाइसेस काट के दीजिए, जूस मत दीजिए, आप ऐसे दीजिए उसको, खीरा दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स में भरपूर फाइबर होता है, तो आप ग्रीन वेजिस बच्चे को ज़रूर दीजिए, फ्रूट्स दीजिए। ये सब चीज़ें अगर बच्चे का रेगुलर डाइट में अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बच्चे को वैसे भी होगी ही नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको ये हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले दिन फिर से आऊँगी नया टॉपिक, नया डिस्कशन लेके। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने बच्चे का फुल्ली टेक केयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।